कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को राजस्थान के मानगढ़ धाम में सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आदिवासी भारत के पहले मालिक हैं। यह जो हमारी जमीन है जिसे आज हम भारत कहते हैं, यह जमीन आदिवासियों की जमीन थी, लेकिन भाजपा आदिवासियों को आदिवासी नहीं वनवासी कहती है। यह आदिवासियों और भारत माता का अपमान है। वही वन उद्योगपतियों को सौंप दिया। मणिपुर की हिंसा को लेकर राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि मणिपुर में आग लगी रहे। साथ ही उन्होंने राजस्थान सरकार की योजना की तारीफ की। वो कहते हैं आप आदिवासी नहीं हो, आप हिंदुस्तान के पहले निवासी नहीं थे। वो कहते हैं कि आप आदिवासी नहीं हो, आप वनवासी हो, मतलब आप इस देश के ओरिजिनल मालिक नहीं हो, आप तो जंगल में रहते हो। यह आपका अपमान है, यह भारत माता का अपमान है। आपसे कहते हैं आप वनवासी हो और फिर आप ही के जंगल को आप ही के हाथों से छीनकर अदानी जी को पकड़ा देते हैं। वनवासी आपको कहते हैं, मगर जब हमने आपको जंगल का, जमीन का, जल का हक दिया, पैसा कानून दिया, आदिवासी बिल दिया, तो बीजेपी ने, आरएसएस ने क्या किया? वो जो औजार हमने आपको दिए थे, उन्होंने एक के बाद एक रद्द कर दिए। सीएम चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, देश का सबसे बेहतर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। कालीबाई स्कूटी योजना, मुफ्त में महिलाओं को स्कूटर। मुख्यमंत्री कोचिंग योजना, फ्री एंट्रेंस एग्जाम में कोचिंग मुफ्त में। एससी एसटी डेवलपमेंट फंड को 500 करोड़ से 1000 करोड़ कर दिया। चलिए आगे।